जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाती हूँ। मैं सब सुन चुका हूँ। और भी कुछ है जो? मुझे वो भी पता है। मुझे नहीं पता आपको क्या बताया गया है, पर मुझे फंसाया जा रहा है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। तो मैंने जो सुना उसके बजाय जो देखा उस पर बात करते हैं, ओके? आप पहले ही हफ्ते अपनी दोस्त को यहाँ पर ले आई, फिर आपने हमारे लीड मॉडल से लड़ाई की, उसे काफी भला बुरा भी कहा। वैसे मैंने आपके बॉस के साथ के रिलेशन की बात तो की ही नहीं। बॉस के साथ रिलेशन? कैसा और किसके साथ? अगर आप दोरुक सर की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी, उन्होंने ही मुझे पूछा था कि। और आपने मेरी परमिशन के बगैर ही अरेबियंस के साथ हुई मीटिंग का कंटेंट दूसरों को बता दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप अपने वालिद की दोस्ती का फायदा उठा रही हैं तो गलती कर रही हैं। एक्चुअली गलती आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किसके साथ काम करते हैं। और हाँ, आपके आसपास ऑफिस में भी सारे ऐसे ही टाइप के लोग हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं वैसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगी। मैं गद्दार नहीं हूँ, समझ गए आप? मेरी बात खत्म नहीं हुई। पर मेरी हो गई। आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, बिजनेस के लिए कोई भी काम करवा सकते हैं, आप मुझे टॉर्चर भी कर सकते हैं, पर आप किसी भी हालत में मुझे बेईमान नहीं बुला सकते। मुझे क्या करना है ये आप नहीं बताएंगी, बॉस मैं हूँ। अब से नहीं है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कोई कसीनो नहीं है जहाँ पर आप कोई दाव खेलेंगी या गेम खेलेंगी और मैं हार जाऊंगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। तो अपने पापा को इस डिसीजन के बारे में क्या बताएंगी? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे बस क्यूरियोसिटी है कि आप अपने पापा को इस्तीफे का बहाना क्या देंगी। सच बताऊंगी उन्हें। आप ये सोचिए कि आपका सच जब सबके सामने आएगा तो आपके पापा से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें सच बताने वाली हूँ।